नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आपका आपकी बात में। आज हम वाकई कैसे मुद्दे को उठाने वाले हैं जो हमसे प्रतिदिन डेली बेसिस की लाइफ से जुड़ा है। हमारी खास पेशकश है कैशलेस का नारा वायरस से हारा। ये वाकई अपने आप में आज का बड़ा सवाल है, चुनौती भी है। देश में नोटबंदी जैसे हालात एक बार फिर बन रहे हैं, कैश फ्लो घट रहा है, नकदी की किल्लत सामने आ रही, रैंसमवेयर वायरस के खतरे के चलते एटीएम खाली हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ठप है। सवाल है कैशलेस इकोनॉमी के नारे के बीच में जब एक वायरस के आने के बाद आप सरेंडर की स्थिति में हो तो कैसे सरकार नकदी रहित लेन देन वाली अर्थव्यवस्था को जमीन पर उतार पाएगी। बड़ा सवाल। सवाल इसलिए अहम है क्योंकि देश में इस वक्त महज 2% केवल 2% लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके बावजूद रैंसमवेयर की केवल आहट सुनकर ही सिस्टम के सारे पुर्जे जाम हो गए। रैंसमवेयर एक वायरस और दुनिया भर में खौफ। एक हमला और 100 के करीब देशों में आर्थिक आपातकाल। भारत में भी रैंसमवेयर की धमक सुनाई पड़ रही है। कहा जा रहा है कि रैंसमवेयर का अगला निशाना भारत ही है। इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है। देश के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। बीते 11 मई को साइबर हैकर्स ने आंध्र प्रदेश पुलिस के 102 कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया। इसके बाद गृह मंत्रालय की चिंताएं और बढ़ गई। उसने RBI, बैंक्स, शेयर बाजार और पेमेंट गेटवे सहित सभी अहम संस्थानों को इस वायरस के संबंध में अलर्ट जारी किया है। बढ़ते खतरे के बीच देश में ऑनलाइन लेन देन का सिस्टम जैसे पैरालाइज्ड हो चुका है। ऑनलाइन लेन देन वाली तमाम अहम वेबसाइट्स ठप हैं और ज्यादातर ATMs में पैसे नहीं हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ATM बंद करने की बात से इनकार किया है। शायद आधिकारिक तौर पर नहीं बल्कि एहतियातन ऐसा किया गया है। कारण जो भी हो पर देश में ATM से कैश विड्रॉल में दिक्कतें आ रही हैं। ये तो सच है। नोटबंदी के बाद से कैशलेस का नारा बड़े जोर से चला। केंद्र सरकार ने हर मंच से इस नारे को बुलंदी दी है, पर रैंसमवेयर अलर्ट के बीच जिस तरह कैशलेस सिस्टम ने सरेंडर किया है उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस तरह कैशलेस होगा देश? और क्या ऐसे माहौल में लोगों का कैशलेस पर भरोसा बढ़ेगा? क्योंकि नोटबंदी के बाद एक बार फिर देखने में यही आ रहा है कि आखिर में नकदी ही हमें राहत देती है, वरना डिजिटल का डिब्बा तो कभी भी गोल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो तीन तरह की बातें इस समय आपको समझने की है। पहली बात ये कि आप अगर ATM पे जाते हैं और अगर आपको वहाँ ATM में मनी नहीं मिलती तो इसके पीछे केवल एक चेतावनी है जो RBI की तरफ से बैंकों को जारी की गई थी कि एक वायरस का अटैक हो सकता है और इसीलिए शायद आपको अपने ATMs को तैयार करना पड़ेगा क्योंकि ATM पर भी इस वायरस का अटैक हो सकता है। इस तरह की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद कई सारे लोगों की शिकायत है, हमने भी जो पड़ताल की उसमें कई सारे ATM कैशलेस मिले हैं, यानी वहां पर कैश की किल्लत शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच में लोगों के पास में एक ऑप्शन है कि वो सीधा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इस डिजिटल ट्रांजेक्शन में भी खतरे कई सारे हैं। तो कुल मिलाकर के क्या यह खतरा है, क्यों यह खतरा है, क्या वाकई इतना बड़ा खतरा है कि कैशलेस इकोनॉमी एक बड़ी दिक्कत के तौर पर लोगों के सामने आ खड़ी होगी या कैशलेस बनने की तरफ लोगों को दिक्कत आने वाली है या लोगों का जो ट्रांजेक्शन है वो सेफ नहीं है, अगर ऐसा है तो किस हद तक सेफ नहीं है, क्या हम कर सकते हैं, आपकी हमारी जानकारियों को हम थोड़ा बढ़ाते हैं। हमारे साथ में दो एक्सपर्ट इस विषय पर जुड़ रहे हैं। रायपुर स्टूडियो मेरे साथ में है डॉक्टर दिलीप सिंह सिसोदिया जो कि HOD हैं कंप्यूटर साइंस के। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ में शोभित चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं साइबर एक्सपर्ट के तौर पर भोपाल से। शोभित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप ही से जानना चाहेंगे दिलीप जी कि ये रैंसमवेयर, क्योंकि रैंसम अपने आप में एक बड़ा क्रिमिनल टाइप का एक शब्द है, ऐसा लगता है कि कोई फिरौती मांगने वाला वायरस है, क्या वाकई ऐसा है, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज बढ़ाएं। रैंसमवेयर एक तरह का मालवेयर है। कंप्यूटर में जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं कई नाम से क्लासिफाइड होती हैं, उनमें से एक
मालवेयर जो है वो बहुत पॉपुलर होता है। ये मालवेयर समय समय पे, अब जैसे ये वर्तमान समय में ये मालवेयर रैंसम के लिए, फिरौती के लिए, इसलिए इसका नाम रैंसम वेयर। तो बेसिकली रैंसम वेयर इज अ मालवेयर। ये खतरा ना होके एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अभी इंडिया में तो डिजिटल, जैसे आपने 2% लोग अभी डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे पुनीत जी आपने बताया, और सरकार की कोशिश है कि जो डिजिटाइजेशन बढ़े, जो डिजिटल सेवाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंचे। बट जो दूसरे यूरोपियन देश है, अमेरिका है, ये खतरा वहां पर ज्यादा है, क्योंकि वहां का पूरा सिस्टम जो है वो इंटरकनेक्टेड है अभी। तो इंडिया में ये चुनौती है कि जैसे हम आगे बढ़े, वहां पे अवेयरनेस लेवल ज्यादा है लोगों का, अपने यहाँ अवेयरनेस की बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कैसे जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे को चर्चा का विषय बनाया। जिस तरह से आपने कहा कि ये हमारे लिए भी अपने आप में एक इस समय ज्ञान को बढ़ाने का एक बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि अगर आप डिजिटल होना चाहते हैं तो आपको डिजिटल होने के खतरे अगर कोई हैं तो उनको समझना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी भी बात से पैनिक हो, या बजाय इसके कि आप किसी भी बात या किसी भी अफवाह में पढ़कर अपने सारे ट्रांजेक्शन को रोक दें या कुछ दिनों के लिए होल्ड कर दें। हमारे साथ में जैसे हमने आपको बताया कि शोभित चतुर्वेदी जी भी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। शोभित, क्या आप इस बात में कोई चीज जोड़ना चाहेंगे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में या एटीएम से होने वाले ट्रांजेक्शन्स में जो रैंसम वेयर है, इसका कोई खतरा है तो कितना है, क्या इसके बारे में जानकारियां अब तक आ पाई हैं, क्या इससे हम लोग बच सकते हैं या एटीएम बच सकते हैं या हमारे ट्रांजेक्शन सेफ हो सकते हैं? बेसिकली अभी तक तो जो जानकारियां आई हैं, तो एटीएम जो है वो इसलिए बंद है क्योंकि उनको अपग्रेड किया जा रहा है जिससे उस पर कोई अटैक ना हो जाए जी। और हम डिजिटल अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करें तो उस पर हमको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। और जो हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो क्या वो SSL सर्टिफाइड है, क्या वो वाकई जेन्युइन वेबसाइट्स हैं जिन पे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इस चीज को हमको ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा। और एटीएम जो बंद हुए हैं वो अपग्रेडेशन के लिए बंद किए हैं, ऐसा जो RBI ने कहा है कि वो उन एटीएम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मालवेयर जो आया है, ये जो अटैक हुआ है, बेसिकली ये विंडोज के पुराने वर्जन पे हुआ है, जैसा सर ने बताया, दिलीप सिंह जी ने, कि जो ये अटैक है ये वॉर्म अटैक है, बेसिकली मल्टीपल होता है अपने आप, और ये अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्विच ओवर होता जाता है और ये फैलता जाता है। सो ये अपने आप रिमोटली एसेस करता है हर एक चीज को, और ये सारे सिस्टम जो अभी 150 कंट्रीज में करीबन 2.5 लाख के आसपास के सिस्टम करप्ट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इंडिया में आंध्रा और केरला में कुछ एक दो सिस्टम्स इफेक्टेड हुए हैं, जैसी अभी तक की रिपोर्ट है। और सर्ट इंडिया ने इसके पहले ही एक अलाउ कर दिया कि भाई सारे एटीएम्स जो हैं उनको हम पहले ही सिक्योर कर ले, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे एटीएम्स में कुछ डेबिट कार्ड्स का जो एक केस हुआ था उससे बचने के लिए ये काम किया गया कि एटीएम्स सबको बंद किए, क्योंकि वो सारे एटीएम्स विंडोज XP पे चलते हैं। तो ये डॉक्टर साहब, हम इसको कैसे अलग मान सकते हैं, डॉक्टर दिलीप कैसे हम इसको अलग मान सकते हैं? बिल्कुल, मैं उसी सवाल पर आने वाला था कि कुछ दिनों पहले भी कई सारे जो हमारे कार्ड्स थे उनको ब्लॉक किया था, तमाम बैंक्स ने ये काम किया था ये कहते हुए कि आपके जो सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं शायद उनके ऊपर अटैक हुआ है या हो सकता है, इसलिए उन कार्ड्स को कैंसिल किया था। क्या अभी भी इस तरह की कोई गुंजाइश है या केवल जो एटीएम है उनको अपग्रेड करने से काम हो जाएगा? इसमें एक्चुअली दो इशू हैं, दोनों डिफरेंट है। वो कार्ड जो है वो डेटा थेफ्ट, दैट इज डिफरेंट इशू, एंड मालवेयर जो है, मालवेयर जो प्रोपोगेट हो रहा है जिस रेट से, ये एक डिफरेंट इशू है। मालवेयर में बेसिकली अपने यहाँ जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का XP ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने भी बहुत पहले एक एडवाइजरी जारी की थी कि सब लोग इसको अपडेट करें, और कुछ पैचेस हैं उसके जो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको जारी किया है। और हर कंट्रीज में एक अपने यहाँ भी जैसे क्विक इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो समय समय पर इस तरह के एडवाइजरीज जारी करता है किस तरीके से हम अपने आप को डिजिटली सिक्योर करें। तो इसमें एक इसके जो वल्नरेबिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, एक पर्टिकुलर XP के अंदर एक फ्लॉ था, उस फ्लॉ को इनने यूज किया है। ये जो भी इसके पीछे भी एक इंस्टीट्यूशनल, ये आइसोलेशन में नहीं होता है, इसके पीछे भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये इंस्टीट्यूशन भी उतने ही कॉम्पिटेंट हैं जितने गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो चुनौती है, और जिस तरीके से उनने एक वल्नरेबिलिटी, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP की एक कमजोरी
जो कोड पुराना हो गया है उसको उनने एक्सप्लॉइट किया है। और बेसिकली इसका काम करने का तरीका अलग होता है, जैसे जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनने बताया कि ये खुद ब खुद फैलता है। इसके लिए एक बॉटनेट करके टेक्निक होती है, उसको यूज करता है। वो बॉटनेट आपका सिस्टम भी हो सकता है, जाने अनजाने में आप भी उस बात को बढ़ाने के जिम्मेदार हो सकते हैं। तो सीआरटी सर्च जो है उसने कई सारी एडवाइजरीज जारी करी हैं, तो जो लोग थोड़े से जानकार हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, उन पेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। कोशिश करें कि जो जिनाइन सॉफ्टवेयर हैं वो यूज करें, एंटीवायरस यूज करें, पैनिक होने की बजाय प्रिकॉशंस लें, जो भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसका यूज करें, और अननेसेसरी जो एक्सप्लॉइटिंग एलिमेंट्स हैं, अब जैसे अपने यहाँ अफवाह हो गई कि एटीएम बंद है, एटीएम बंद होने का दूसरा रीजन है एटीएम का, इससे अभी मतलब जैसा गवर्नमेंट ने जो बताया, आरबीआई ने जो बताया, उसका सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि एटीएम उस जो जिस ये फेल रहा है उसमें आता नहीं है एटीएम। अच्छा अच्छा, चलिए हमारे साथ में शोभित, क्या और कितने परसेंट के एटीएम अभी इफेक्टेड हुए हैं? जैसा आप बता रहे हैं कि केवल आपके पास में भी जानकारी कि दो ही प्रदेशों के एटीएम ऐसे होंगे जहां पर इसका असर हुआ होगा, और इसके बाद पहले एक अलर्ट जारी कर दिया गया। क्या इनको अपग्रेड किया जा सकता है, कितना वक्त इसमें लग सकता है? क्योंकि जो लोग पहले डिजिटल होने से डर रहे हैं उनके लिए तो ये अपने आप में पहले ही एक डर है कि पता नहीं उनको एटीएम कार्ड के जरिए क्या धोखा मिलेगा। तो कितने एटीएम या कितने परसेंट एटीएम इससे अफेक्ट हो सकते हैं या हुए होंगे, और क्या इनको वक्त रहते ठीक किया जा सकता है? मतलब कहा जाए कि इंडिया के अंदर 2,20,000 करीबन एटीएम्स हैं, और इन एटीएम्स में से कुछ पार्ट्स को, मतलब सारे बंद नहीं हुए, बहुत मतलब 1/4 के आसपास करीबन एटीएम्स को अपग्रेड करने के लिए दिया गया, जिसको एटीएम्स बंद है। अगर आप अपने आसपास भी चेक करें तो मेरे ख्याल से बहुत कम एटीएम ऐसे होंगे जो आपको मिले जो बंद है, अपग्रेड हो रहे हैं सिस्टम, क्योंकि वो आज भी XP 98 पे चल रहे हैं। सो मेरे ख्याल से, और अफेक्टेड की बात करें तो अफेक्टेड अभी तक इंडिया के अंदर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या एटीएम अभी तक कोई भी ऐसा कोई इससे मेरे ख्याल से अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। चलिए आप दोनों से हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि किसी भी चीज से पैनिक होने की जगह जानकारियों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि केवल 2% लोग ही डिजिटल होने की तरफ आगे बढ़े हैं, तो अगर 100 में से 2 लोग भी इस बात को लेकर आज से डरेंगे तो निश्चित तौर पर यह जो मुहिम है कैशलेस की मुहिम, इसमें एक बड़ा झटका होगा। पर वाकई क्या क्या थ्रेट्स हैं और आने वाले वक्त में हो सकते हैं जिनके लिए आप और हम भी प्रिपेयर रहें, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो इन दिनों एक खबर आपने भी सुनी होगी कि एटीएम खाली हो रहे हैं क्योंकि एटीएम के ऊपर एक वायरस का अटैक है। ये वायरस का अटैक अगर होता है तो आपकी जो सिक्योर मनी है इसमें सेंध लग सकती है, इसीलिए एहतियातन आरबीआई ने कुछ अपग्रेडेशन का काम दिया है, और इसी वजह से कई सारे एटीएम में आपको पैसा नहीं मिल रहा। एक खबर ये भी है कि कई सारे जो साइट्स हैं जो डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, जो पैसों का लेन देन करते हैं, उन पर भी इसका खतरा है। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये अपने एक्सपर्ट से मिलकर जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी जानकारियों को भी बढ़ाते चलें। मध्य प्रदेश में रैंसमवेयर वायरस का एक साइड इफेक्ट दिखा है, जहां सोशल मीडिया में इस वायरस से सावधान करने वाली तमाम चेतावनियां ट्रेंड कर रही हैं, तो वहीं राजधानी भोपाल में एटीएम की हालत पतली है। नतीजा ये कि लोग नकदी के लिए एक बार फिर दिक्कत में दिखे। रैंसमवेयर किसी आफत से कम नहीं है, इस मायावी वायरस ने सबकी नींदें उड़ा रखी हैं, और इसकी वजह से तरह तरह की अफवाहों को भी बढ़ावा मिल रहा है। सोशल साइट्स पर आ रहे अलर्ट से और भी ज्यादा पैनिक क्रिएट होने लगा है। सोशल साइट्स पर लगातार ऐसे मैसेज आ रहे हैं जिनमें लोगों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन न करने की सलाह होती है। एक तरफ डराने वाले अलर्ट से लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर एटीएम के ठप हो जाने से। भोपाल में 800 से ज्यादा एटीएम हैं, लेकिन ज्यादातर ठन गोपाल वाले हालात में हैं। एटीएम की हिट्स मॉनिटर करने वाली एजेंसियों की माने तो रैंसमवेयर अटैक की खबर के बाद भोपाल में ट्रांजेक्शन 50% से ज्यादा घट गया है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि भोपाल में ज्यादातर बैंकों के एटीएम से पैसा निकालना मुश्किल हो गया है। नहीं निकल रहा है मुझे। कल मैंने 2-3 बैंक का ट्राई किया था। कल मैंने कैनरा बैंक भी गया था अशोका गार्डन में, तो एक बैंक से नहीं मिला। फिर देखे कुछ काम ही नहीं कर रहा एटीएम। इधर सोशल मीडिया पर वायरस रैंसमवेयर को लेकर आ रहे तरह तरह के मैसेज को लेकर पुलिस ने ये अपील की है कि सावधान रहें, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अफवाहों पर ना जाएं। संभावना इस बात की बनी हुई है
कि जो कंप्यूटर ऑनलाइन रहेंगे जिसमें कि वायरस एंटीवायरस नहीं होगा, जिसमें कि फायरवॉल नहीं लगाएंगे, अपडेट वर्जन नहीं रहेगा, या जो भी सावधानी रखना चाहिए बैकअप नहीं रखेंगे, तो रैनसम वायर का खतरा है। खतरा तो वर्ल्ड वाइड है और यूरोपीय अमेरिकन कंट्रीज़ भी इसको नहीं बचा पाए, तो जाहिर है खतरा तो है, इसको हम सावधानी से ही बचा सकते हैं। कहा जा रहा है कि रैनसम वेयर का अटैक देश के बैंकिंग सिस्टम पर होने वाला है। हालांकि बैंक अधिकारी इसे कोरी अफवाह करार दे रहे हैं। उनका दावा है कि ये वायरस उनके सॉफ्टवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकता। जहां तक स्टेट बैंक का सवाल है, स्टेट बैंक के किसी भी कार्य पर इस वायरस का, इस अटैक का कोई असर नहीं हुआ है और स्टेट बैंक का सिस्टम रोबस्ट सिस्टम है। इसका कोई अटैक का कोई असर स्टेट बैंक के सिस्टम पे नहीं है। आम आदमी तकनीकी पेचीदगियों को नहीं समझता। उन्हें रैनसमवेयर से भी कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें मतलब है तो लेन देन में हो रही दिक्कतों से। जाहिर है उनकी चिंता भी एक ही है, कहीं नोटबंदी के दिनों की तरह फिर से कैश की किल्लत तो नहीं हो जाएगी। सत्यविजय सिंह, IBC 24, भोपाल। तो सुना आपने कि बैंक कहते हैं कि उनके सॉफ्टवेयर के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, जितनी खबरें सब अफवाहें। लेकिन पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि चूंकि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के साथ अगर आप कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो आपको साइट्स पर जाना पड़ेगा, लैपटॉप्स का, कंप्यूटर का, मोबाइल का या तमाम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर अलर्ट वर्ल्ड वाइड है तो फिर आप भी इसके अंतर्गत आते हैं और आपको भी सतर्क रहना चाहिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन राजधानी भोपाल की स्थिति आपने एक तरफ देखी तो रायपुर के लोगों तक भी ये बात जब पहुंची तो उनका रिएक्शन क्या है, वो क्या समझते हैं इस बारे में, देखिए जरा। अभी हाल ही में हमने देखा कि रैनसम नाम का वायरस जो है, जो कि 100 से ज़्यादा देशों में जिसने अपना प्रभाव दिखाया है, इसके आने के बाद जो है देश और दुनिया में इससे सुरक्षा की बातें की गई। लेकिन इस तरह की जो भी खतरनाक चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसके साथ साथ इसके सुरक्षा मानकों का की व्यवस्था करना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। इस वायरस से बचने के लिए ज़रूरी है कि अब इस टेक्नोलॉजी को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए अपने जो सॉफ्टवेयर उसका अपडेट करना ज़रूरी है और साथ में एंटीवायरस होना जरूरी है, और कुछ भी जो भी नेट से है जो डाउनलोड करते हैं उसको देख के उसमें कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है। जैसे कुछ भी स्कैम फाइल आता है या कुछ भी आता रहता है उसको डाउनलोड नहीं करना है। तो चलिए कुछ सावधानियां, कुछ सतर्कताएं एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ में दो एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनसे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। शोभित, आपने सुना होगा पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि खतरा तो है और आपको इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए, हालांकि बैंक इस बात को डिनाई करते हैं। जाहिर सी बात है कि उनके कामकाज पर इसका असर पड़ सकता है। क्या एटीएम को लेकर के केवल कैश खत्म होने की एक किल्लत है भोपाल में, या हम ये मान सकते हैं कि ये जो अपग्रेडेशन का काम चल रहा है इस वजह से भी दिक्कत है? क्योंकि लोग दिक्कत को तो डिनाई नहीं करें, वो मानते हैं कि हाँ उनको कैश नहीं मिल रहा। आपके मुताबिक क्या वास्तविकता है? बेसिक सबसे मेन चीज है कि हमारे पास एक अवेयरनेस सबसे बड़ी बात है। जिसके हम साइबर सिक्योरिटीज की बात करें तो हम साइबर सिक्योरिटी से अवेयरनेस नहीं है, जिस कारण से लोग जो अपने अपग्रेड नहीं करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, मोबाइल के जो उनके मोबाइल एंड्रॉइड्स हैं उसमें अपने एंटीवायरस नहीं डालते, एंटीवायरस उन्होंने एक बार ले लिया तो उसको अपग्रेड नहीं करते हैं। जो कंपनीज हैं वो अपने, उनके पास कोई नेटवर्क सिक्योरिटी की कोई टीम नहीं होती है, और ऐसे करते हुए हम लोग सिर्फ र्यूमर्स के ऊपर फॉलो करते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम अपडेट्स रहे, हम सारे अपडेट्स एंटीवायरस के सिग्नेचर्स अपडेट करते रहे, फायरवॉल्स का यूज करें, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम विंडोज को अपग्रेड करके विंडोज 10 यूज करें या लिनक्स पर हम बात करें, लिनक्स सर्वर्स यूज करें, तो ये अटैक्स हमारे लिनक्स पे बहुत कम होते हैं, ना के बराबर ही होते हैं। और जो कि बैंक्स जो है वो लिनक्स सर्वर ही यूज करते हैं, और हमारे कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि एटीएम अपग्रेशंस की बात हो रही, तो अपग्रेशंस एक अलग चीज है, क्योंकि वो अटैक इन एटीएम्स पर ना हो जाए और हमारे यहाँ के लोगों की करेंसी पे दिक्कत ना, कहीं उनका कहीं ये फ्रॉड ना हो पाए, इसलिए ये बैंक्स ने एक नई अपग्रेशंस की पॉलिसी भी लाया हुआ, काफी पहले से लाया हुआ। ऐसा नहीं है कि ये रैनसमवेयर, लेकिन रैनसमवेयर के कारण वो जल्दी उन्होंने चेंज अपग्रेड करना शुरू कर दिया। शोभित, ऐसे में हमको क्या करना है? बैंक तो अपना काम कर रहे हैं और पुलिस ने भी कहा है, एडवाइजरी एक जारी की कि आपको अलर्ट रहना है, हमको क्या करना है? मतलब जो मोबाइल में बैंकिंग करते हैं
जो लैपटॉप से या कंप्यूटर से बैंकिंग करते हैं या इंटरनेट बैंक जिसको आप कहते हैं, फोन बैंक का इस्तेमाल जो करते हैं, उनको क्या करना है, आपकी उनको सलाह क्या है? मैं कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं मोबाइल से, तो अपने मोबाइल को हमेशा एंटीवायरस से क्लीन करते रहें। दूसरी बात, अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने घर के डेस्कटॉप से करें, ना कि ऑफिस से या कहीं और इंटरनेट कैफे के, क्योंकि वहां हो सकता है कि कोई वायरस हो या हो सकता है वहां की लॉगर्स हो। तो अपने बचाव के लिए आप अपने मोबाइल अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से करें और उसको अपग्रेड रखें, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। और पिन की अगर हम बात करें तो सिर्फ उनसे बचें कि जो कॉल्स आते हैं और आपसे डिटेल्स ले लेते हैं, उनसे बचें। बाकी अगर आप ऑनलाइन अपने पिन्स या ओटीपी डालते हैं, क्योंकि ओटीपी हर बार आपके पास आता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, वो आपके मोबाइल पे आता है जो रजिस्टर्ड होता है, तो अगर आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल भी मेरे ख्याल से सेफ रहेंगे और आपका पैसा भी कहीं नहीं जाएगा। दिलीप जी, एक बात जो इन पूरे डिस्कशन से निकलती है, जब कैशलेस की हम बात कर रहे थे तब भी एक बात थी कि साइबर के बारे में आपकी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। एक अवेयरनेस की बात तो दूर की है, पहले तो आपको शायद एक लिटरेसी लेवल इस दिशा में भी लाना पड़ेगा कि दरअसल साइबर होता क्या है, कैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे बैंकिंग में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप बैंकों को और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन दोनों को मिलकर इस तरफ काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अटैक तो होते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि साइबर स्पेस जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। देयर आर कई सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व हैं, इंटरनेट इन्वॉल्व हैं, लोग इन्वॉल्व हैं, तो कई सारी एंटिटीज हैं, उनको हम एक कलेक्टिवली एक टर्म साइबर स्पेस बोलते हैं। और भारत में स्पेशली यहाँ अभी साइबर यूज ज्यादा बढ़ रहा है, बट जो जानकारी होना चाहिए, हम जैसे हम बैंक इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो हर इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कुछ स्टेप्स देता है कि आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ऐसे आपको पीरियोडिकली अपने पासवर्ड चेंज करना है, किसी पब्लिक जो जिस सिस्टम के बारे में आपको जानकारी नहीं है, जिसकी सुरक्षा के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसको यूज न करके अपने, जैसे शोभित जी ने बताया कि अपने जो नोन सिस्टम है, पर्सनल कंप्यूटर है, घर पे हैं, जिन सिस्टम पे अपना कंट्रोल है, उनसे ये सब ट्रांजेक्शन करें। तो ऐसी पूरी जानकारी सभी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर जो भी बैंक्स हैं वो देते हैं। हम जाने अनजाने में या अपनी जरूरतों के कारण उन जानकारी को फॉलो नहीं करते हैं, और उसमें एक रीजन ये भी होता है और दूसरा हमारा नेग्लिजेंस होता है, तो कई बार ये दोनों कंबाइंड होके हम साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अब इसमें एक सवाल यह भी है कि अगर आप 2% लोगों के लिए इतना बड़ा थ्रेट या इस तरीके की र्यूमर्स के ऊपर रिएक्ट ऐसे कर रहे हैं और हमको इस पर डिबेट करनी पड़ रही है, तो बाकी के जो 98% हैं उनको अगर आपको स्पेस में लाना है, आपको अगर उनको भी साइबर के साथ में जोड़ना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो साहब, कैशलेस अगर आपको बनना है तो आपको कैशलेस इकोनॉमी को अपनाना पड़ेगा, लेकिन इसको लेकर के कई सारे चैलेंजेस जो आज हमारे सामने हैं, जिनमें से कुछ अभी हमने फेस करने शुरू किए हैं। ऐसे देश जो कैशलेस इकोनॉमी को हमसे पहले अपना चुके हैं, उनके एग्जाम्पल भी हमारे सामने, जिसमें चाइना और अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज के लोग हैं। अगर वो इस चीज से परेशान है तो जाहिर सी बात है कि ये दिक्कत हमको भी होने वाली। कैशलेस इकोनॉमी को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, पर क्या देश में, भारत में वाकई कैशलेस ट्रांजेक्शन के लायक एक विश्वसनीय ढांचा तैयार है, मौजूद है? उसके लिए बड़ा सवाल यह भी कि क्या हम ऐसे फुल प्रूफ सिस्टम को बना पाएं जहां लोग बेरोक टोक या बेधड़क ई ट्रांजेक्शन को कर पाएं। रैंसमवेयर ने कैशलेस की तरफ बढ़ते भारत को एक चुनौती दी है। ये अकेली चुनौती नहीं है, बल्कि बार बार और बड़ी संख्या में ऐसी चुनौतियां आएंगी, पर अगर इसी तरह हर बार हमारे हाथ पैर फूलते रहे तो चला ली हमने कैशलेस इकोनॉमी। सच तो ये है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स अब भी पूरी तरह सेफ नहीं, सुरक्षा में लूपहोल्स का फायदा हैकर्स अक्सर उठाते हैं। आज भी ई वॉलेट से पैसा बिना किसी निगरानी के निकल रहा है, जिसे ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। कुछ वक्त पहले कोलकाता में एक बड़ी ई डकैती हुई जो सबके लिए चेतावनी की घंटी है। 5 शातिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने एक प्राइवेट बैंक के ई वॉलेट की मामूली चूक का फायदा उठाया और 8.6 करोड़ रुपए ऑनलाइन उड़ा लिए। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल पेमेंट सिस्टम की खामियों को दूर करना है।
भारत में 97% रिटेल ट्रांजेक्शन कैश में होता है। हालांकि देश में ई वॉलेट्स और डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये सर्विस अब भी असुरक्षित और खामियों से भरी है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब खबर आई थी कि SBI ने अपने 6 लाख से ज्यादा ग्राहकों के ATM कार्ड को ब्लॉक कर दिया, जबकि 30 लाख डेबिट कार्ड पर हैकिंग का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उन डेबिट कार्ड्स की सुरक्षा में सेंध लग चुकी है। दरअसल किसी ने उन कार्ड्स की डिजिटल पहचान चुरा ली। विदेश में तो ये समस्या आम बात है, पर वहां का सिस्टम ऐसा है कि वो उसे झेल लेता है, लेकिन हमारे देश में अभी जोखिम ही जोखिम है। क्या केंद्र सरकार के पास इस जोखिम से निपटने का कोई रोड मैप तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इसीलिए हम ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि अगर आपको कैशलेस बनना है तो जो देश कैशलेस सिस्टम को अपना चुके हैं उनके थ्रेट्स जो हमें आने वाले समय में और परेशान करेंगे, क्या आप और हम इस बात के लिए तैयार हैं? और हमसे पहले क्या सिस्टम को डेवलप करने वाले लोगों के पास इस बात की जानकारी या उत्तर है कि हम इन थ्रेट्स से निपटेंगे कैसे, क्या हमने उनको फुल प्रूफ बनाया? ये सबके दिमाग में बड़ी शंका है। हमारे साथ में दिलीप सिंह सिसोदिया साहब हैं। सिसोदिया जी, क्या लगता है आपको आज की डेट में, आज की तारीख में कैशलेस इकोनॉमी के सबसे बड़े थ्रेट्स क्या हैं? इन डिजिटल ट्रांजेक्शन के सबसे बड़े थ्रेट्स हैं क्या? सबसे पहले इसमें मैं दो मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो सरकार के पार्ट पे है कि एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग साइबर लॉ। अभी जो IT एक्ट है, अभी इंडिया में IT एक्ट है। IT एक्ट के अंदर ये जैसे रैंसम वेयर है, इसमें आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। अभी हमारे ऐसा कोई, ऐसे कई सारे साइबर फ्रॉड हैं जिनमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है साइबर क्राइम का। दैट मींस लूपहोल्स हैं, लूपहोल्स हैं। तो सबसे पहले तो सरकार को एक कानून के साथ आना चाहिए जो डेडिकेटेड हो, जैसे इंडियन पेनल कोड में डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स के लिए ऐसे ही साइबर क्राइम के लिए कानूनी प्रावधान हो, तो इसका एक डिटरेंट इफेक्ट होगा जो फ्रॉडुलेंट एलिमेंट है उनके ऊपर। दूसरा है जानकारी, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। हमने एक सिस्टम लिया, सिस्टम सही चल रहा है, उस सिस्टम की क्या वल्नरेबिलिटी है, उसको कौन कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं दो इंसिडेंट्स, दो टेक्नोलॉजिकल फ्लॉ है उनके बारे में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। प्लीज। अपने यहां जब ATM शुरू हुए तो एक छोटा सा एक टेक्निकल फ्लॉ था, वो था मनी रिट्रेक्शन का, कि जैसे सपोज आपने ATM से एक बार में 40,000 रुपए निकाले, अगर कुछ समय तक वो पैसे आपने नहीं उठाए तो वो पैसे ATM रिट्रेक्ट कर लेते, वापस चले जाएंगे, वापस चले जाते थे। तो इस फ्लॉ का कुछ लोगों ने फायदा उठाया, वो क्या करते थे, 40,000 रुपए निकाले, वो 39,000 रुपए या 100 रुपए 200 रुपए वहां छोड़ देते थे, बाकी पैसे उठा लेते थे तुरंत। अब चूंकि सिस्टम क्या करता था, रिट्रेक्शन मैकेनिज्म था, अब रिट्रेक्शन नहीं होती मनी, आप उठाए अपना पैसा या ना उठाए पैसा वहीं रहेगा, वापस नहीं जाएगा। अच्छा, तो उससे करोड़ों रुपए का बैंकों को चूना लगाया गया, सिर्फ एक छोटे से एक सिस्टम का फ्लॉ था, वो भी रिट्रेक्शन मैकेनिज्म वाला। तो उसमें कुछ पैसा उठा लिया, उस सिस्टम की छोटी सी खामी का कई लोगों ने फायदा उठाया। एक और ऐसा ही ATM की बात कर रहा हूं मैं, ATM में दूसरा फ्लॉ लोगों ने उसको, और जो जिन लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट किया वो बहुत एजुकेटेड और साइबर क्रिमिनल नहीं थे, वो ऐसे ही अपने जो होते हैं चीटर होते हैं इस टाइप के लोग थे, उनकी जानकारी में आया, वो ATM से जुड़े हुए लोग भी उनके साथ शामिल थे। दूसरा एक था उसमें पावर का, कि आपने ट्रांजेक्शन किया तो ट्रांजेक्शन अपडेट होने के लिए कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, उसके लिए मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो अपडेट होता था, तो वो गिरोह क्या करता था कि वो पावर ऑफ कर देता था ATM की, तो वो ट्रांजेक्शन अपडेट नहीं होगा। इस तरीके से और भी फ्लॉ हो सकते हैं, ये ऐसे हैं कि दो केस जैसे मेरे नॉलेज में है, और भी ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जी। तो इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी हम डिप्लॉय करें, ATM हो, कैशलेस हो, जैसे ई वॉलेट की आपने बात करी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट आपके रिपोर्टर ने दिखाई, इसमें ई वॉलेट में बहुत सारी सुविधाएं हैं उससे, बट उसमें टेक्निकल टेक्निकल कमियां हैं। अभी वो लोग उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसको आधार से वो कर रहे हैं, आधार से जोड़ रहे हैं सारे ई वॉलेट को। तो आप फाइनेंशियल, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज जहां पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि पैसा जो होता है वो क्राइम को, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां क्राइम करने वाले लोग भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, और तो इस तरीके से इसमें कानून हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी बेस्ट से बेस्ट सिस्टम हो वो डिप्लॉय करे, टाइमली उसको अपग्रेड करे, जो भी मैंडेटरी प्रोसीजर है उसको फॉलो करे, और
पैरेलली एक मास एजुकेशन प्रोग्राम चला है। वो मास एजुकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट चला सकती है और दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं वो चला सकते हैं, मीडिया उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं, ताकि जो कॉमन लोग हैं जो बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप कंप्यूटर के जानकार हैं तो इसका ये गारंटी नहीं है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार नहीं हो सकते हैं। जी, आपके अंदर भी कुछ कमी है, कुछ लूप होल छोड़ दिया आपने, छोटा सा एक लूप होल छोड़ देंगे उसके कारण आप उसका शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे मल्टीप्रोन अप्रोच गवर्नमेंट के पार्ट पे लॉ हो गया, पब्लिक के उसमें अवेयरनेस हो, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो ताकि सारे सिस्टम अपग्रेड होते रहें। अब ये जैसे केस है इसमें वो टेक्नोलॉजिकल फ्लॉ है, सिस्टम जो है वो अपग्रेड नहीं किया। साथ में एक इंटरनेशनल अलायंस होना चाहिए इसमें, जैसे दूसरे इश्यूज पे हैं। अब ये क्राइम कहां से हो रहा है, बिटकॉइन करेंसी में रैंसम वसूला जा रहा है, वो करेंसी कैसे कैश होती है, ये पूरा उसके लिए एक जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको हम ऐसा जिसकी हम ऑथेंटिसिटी एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं कि क्राइम कहां, ये जो पैसा आ रहा है रैंसम का ये जा कहां रहा है। जी, उस सोर्स को अगर इंटरनेशनली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, रशिया अमेरिका यूरोपियन कंट्री अगर उस सोर्स को लोकेट करके उनको पनिश नहीं कर पा रही है तो ये कुछ तो प्रॉब्लम है सिस्टम में। चलिए, तो इन सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलिए आगे बढ़े और चर्चा को आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी जानकारियों को और बढ़ाएं। इसके पहले इंदौर के लोगों ने इस रैंसमवेयर के बारे में क्या कहा, देखिए जरा। थोड़े दिन से वो वायरस वगैरह के कारण जो है प्रॉब्लम आ रही है, समस्या तो है। एटीएम में जा रहे हैं अपन, पैसा नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ से, बड़ी तकलीफ आ रही है। जहाँ पे जाओ सर्वर डाउन है, मशीन बंद है। पिछले 5-7 एटीएम पे गए, एक भी जगह एटीएम में से पैसे नहीं निकल रहे। शोभित, क्या ऐसी कंपनीज को या ऐसी संस्थाओं को एक्सपर्ट के तौर पर आप कहना चाहेंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन का एक सिरा अगर लोग हैं तो दूसरा सिरा वो तमाम कंपनियां हैं जिसमें बैंक भी आते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कैश के साथ में या कैशलेस सिस्टम के साथ में डील करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि उनके पास एक्सपर्ट टीम है लेकिन फिर भी उनको क्या करना चाहिए ताकि ये फेथ बना रहे, ये भरोसा बना रहे। बेसिक बैंकिंग और ऑनलाइन जितनी भी कंपनीज हैं ये ऑलरेडी सिक्योर रखी हुई हैं अपने ट्रांजैक्शंस को, और ये कोशिश करते हैं कि सारे गेटवेज को भी अपने सिक्योर रखें। बट इसमें मेन एक जो फ्लॉज हम जहां देखते हैं, हम बात करते हैं, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको भी अपने सिस्टम्स को काफी स्ट्रांग रखना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब आजकल डेटा जो चल रहा है, सिस्टम जो चल रहे, चाहे वो रिलायंस हो या वोडाफोन हो, तो सब नेट की बात कर रहे हैं और नेट पर वो सिक्योर नहीं, क्योंकि जो वो रस्ते हैं वो ही मेरे ख्याल से अब ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो रस्तों में ही चोरी होगी। और ये साइबर के अंदर एक बहुत सिंपल सी चीज है पर यहाँ हो सकती है, और आपका मोबाइल, क्योंकि वो एंड यूजर से ही चोरी करता है, बैंक सर्वर तक पहुंच नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है बैंक सर्वर तक पहुंचना। और दूसरा, अगर ऑनलाइन की हम बात करें तो उस सर्वर तक भी वो मुश्किल होती है किसी भी हैकर्स को पहुंचना। चलिए डॉक्टर दिलीप, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे लोगों को एजुकेशन के बारे में या इस तरह की एजुकेशन देने के बारे में, वैसे क्या इंस्टीट्यूशंस में जो काम करने वाले लोग हैं, जो सिस्टम्स डील करते हैं, उनके लिए भी ये जानना समझना जरूरी है? इंस्टीट्यूशन के लोगों को जो इसमें डील करते हैं उनको जानकारी होती है। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि इसके कारण भारत में ये जो समस्या हो रही है कितना नुकसान हुआ होगा, एटीएम बंद है, और अगर वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड इसको अगर क्वांटिफाई करें हम, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लॉस है इसका। अगर 50% भी हम अपग्रेडेशन, सिस्टम अपग्रेडेशन में लगाते, उसकी सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करते, तो शायद ये प्रॉब्लम इसको अवॉइड किया जा सकता था, कुछ हद तक इसको अवॉइड किया जा सकता था। तो संस्थाएं जो है वो शॉर्ट टर्म में सोचती है, और जो इन्वेस्टमेंट स्पेशली जो फाइनेंशियल डीलिंग्स है वो फुल प्रूफ होना चाहिए, उसमें तभी लोगों का विश्वास जीता जा सकेगा और लोग इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि अपना एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी भी रिलक्टेंट है इन सेवाओं को यूज करने के लिए। उसका कारण सिर्फ ये है कि उनको ऐसा लगता है कि इसमें फ्रॉड हो सकता है, वो इंसिडेंट्स किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, मीडिया में जब रिपोर्ट होता है तो लोगों को लगता है कि सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोई भी तकनीक हो। बिल्कुल शोभित, लोगों को जो आज की तारीख में इस सिस्टम का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, उनको आपकी फाइनल कमेंट या फाइनल सलाह आपकी क्या होगी? क्योंकि आपको, अगर आप डरते हैं तो भी आपको इनका इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, बजाय इसके कि आप कंफ्यूज हो या आप किसी भी तरह के र्यूमर में आए, आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? बहुत सारे हमको मिल चुके हैं सलाह, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप सिस्टम को लेकर कुछ बताएं।
बेसिक चीज़ ये है कि अगर हम बात करें तो जैसे बात हुई थी अभी सर बात कर रहे थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ एजुकेशन सिस्टम में इसको लाना चाहिए सबसे पहली चीज़। और पिछले 5 सालों से मैं हमारी संस्था और अभी MP साइबर सेल के साथ मिलके हमने एक प्रोग्राम चालू किया रुस्तम जी ऑनलाइन सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके थ्रू हम हर स्कूल हर कॉलेज में जाके बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, जिससे वो अपने मम्मी डैडी को अवेयर करें। और डिजिटल कैंपेन जो है इसको अगर हमको समझना और हमको इसको करना है, क्योंकि करना तो यही है, तो हम उसको जितना सेफली समझेंगे जितना सेफली करेंगे हम उतने बच के रहेंगे, क्योंकि हमें अपग्रेड होना है और हमें जानकारियां सारी प्राप्त करनी है। तो इसको एजुकेशन सिस्टम में आना पड़ेगा, हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जैसे हम बात करें कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के भी इतनी सारी चीजें नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में इसके सर्टिफिकेट्स डिप्लोमास नहीं है जो कि हम दूसरी बाहर की कंपनियों से करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर मेरे ख्याल से MTech में है, लेकिन UG और PG की हम बात करें, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें, सर्टिफिकेशन डिप्लोमास की बात करें, तो ये है नहीं। तो इसको अगर बढ़ावा देंगे तो हम शायद अवेयर होंगे और इनसे बचेंगे, क्योंकि हमें तब पता चलेगा कि ये चीजें है क्या। चलिए दिलीप जी, आप भी इसमें कुछ बातें जोड़ना चाहेंगे जैसा बता रहे हैं, शोभित जो बता रहे हैं, इसमें आप कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल शोभित जी की, मैं इस बात से पूरी तरीके सहमत हूँ कि सबसे पहले एजुकेशन स्कूल से लगाकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, कई जगह कुछ स्पेशल डेडिकेटेड गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जो तकनीकी संस्थाओं के साथ अलायंस में वो साइबर सिक्योरिटी इससे जुड़े हुए प्रोग्राम चलाते हैं, वो हाईली स्पेशलाइज कोर्सेज हैं, वो मासेस के लिए नहीं है। गवर्नमेंट को और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी ऐसे कुछ मॉड्यूल्स डिजाइन करें जो एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आए। तकनीक को समझना और तकनीक को एक बहुत ही साधारण भाषा में जो लोकल उनकी लैंग्वेज है उसकी तमिल में उपलब्धता, उसकी हिंदी में उपलब्धता, उसकी असमिया में उपलब्धता, ताकि वो सब लोगों को समझ में आए। दूसरे मास अवेयरनेस प्रोग्राम जो लोकल लेवल पे उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्कूल के अलावा जो इनफॉर्मल अपना एजुकेशन सिस्टम है जिसे हम दूसरे कार्यक्रम करते हैं, इस तरीके से उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि एक मिनिमम बेयर जो जानकारी है वो मासेस को हो। मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी अभी नहीं है और लोग इसको संजीदगी से नहीं लेते हैं, उनको कन्वीनियंटली वो यूज कर रहे हैं और कब वो जाने अनजाने में उस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे सोशल, अपने यहाँ इंडिया में जो रिपोर्टेड केस है वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के ज्यादा है, लोगों को प्रलोभन दे के, उनकी प्राइवेसी में इंट्रूड करके, उनका पासवर्ड चुरा के, उनसे किसी भी तरीके से कुछ जानकारी लेके, इस तरीके के अटैक जो हैं वो ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। दूसरा क्या है, कानूनन इसमें कोई भी हेल्प नहीं है। जब आप पुलिस को अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले तो उनकी कोशिश रहती है कि इसमें इस मतलब ये इस कॉम्प्लिकेटेड इशू, वो मना करने की कोशिश, हम क्या करें, तुमने ऐसा कर दिया होगा, तुमने वैसा कर दिया होगा, इस तरीके से कई मेरे मतलब व्यक्तिगत अनुभव है उन लोगों के साथ हुए हैं। तो केस को रिपोर्ट करना, उसको उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना, तो सबसे पहले जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं मासेस में अवेयरनेस और उनको एक्सपर्टाइज हर थाने में, जैसे गवर्नमेंट कर रही है हर जगह कर रही है, बट वो लेवल अभी नहीं है जो होना चाहिए। जिस तरीके से हमको जो भारत सरकार लक्ष्य लेके चल रही है कि डिजिटाइजेशन को हमको जिस तरीके से इंक्रीज करना है, उतनी प्रिपेयर्डनेस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास मेरी जानकारी के हिसाब से अभी नहीं है। इसमें काफी कुछ करने की जरूरत है ताकि लोगों में इस तरीके से र्यूमर्स से बचें और जो कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो यूज कर रहे हैं वो फुल प्रूफ है। और हमेशा एक खतरा रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, जो सिस्टम इंटरनेट पे है आप उसमें किसी भी टाइप के अटैक की पॉसिबिलिटी को 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो संभावना हमेशा रहेगी। आप अपना सिस्टम अपग्रेड करेंगे, जो हैकर्स हैं वो अपना सिस्टम अपग्रेड करेंगे, तो ये हमेशा चलता रहेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर इन दोनों की बातचीत का निचोड़ हम ये निकाल सकते हैं कि पहली बात ये कि आप जिस दौर आज आप और हम मिलकर के काम कर रहे हैं, उन सारे दौर में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कैशलेस आज की दौर की व्यवस्था है और इसको अपनाना ही पड़ेगा। इसमें बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग अपना काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का खतरा जो दुनिया के साथ आपके पास आता है उससे निपटने के लिए एक्सपर्ट की टीम अपना काम करे, लेकिन हमको अपनी जानकारियों को बढ़ाते रहना है ताकि इन्हीं जानकारियों के जरिए हम अपने सिस्टम को, अपने पैसे को और अपने तमाम उन ट्रांजेक्शन को सिक्योर कर सकें। इसके लिए सबसे पहले आपको एंटीवायरस का इस्तेमाल करना है, हर ट्रांजेक्शन में OTP का इस्तेमाल करना है और इस तरह के जितने निर्देश जो अब तक हम शायद हल्के में लेते थे इन्हें हमें सीरियसली लेना है, तभी हम अपना पैसा, अपना वक्त और अपना एफर्ट बचा पाएंगे। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ में शामिल होने के लिए और इतनी अहम चर्चा करने के लिए। नमस्कार।